जय हिंद, जय बिहार। बिहार की जब बात होती है ना तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बिहार की जब बात होती है तो एकदम लगता है कि एक ताकत अंदर आ जाती है। बिहार की जब बात होती है तो फख्र से स्वर ऊंचा उठता है और हम शान से कहते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को आईएएस और आईपीएस देने वाला बिहार होता है। बिहार की जब बात होती है तो याद आता है तक्षशिला। बिहार की जब बात आती है तो चाणक्य याद आते हैं। बिहार की जब बात आती है तो पाटलिपुत्रा का इतिहास याद आता है। उसी बिहार की धरती पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह लड़का जो है अमरजीत जयकर है और इसी बिहार का रहने वाला है। और आज यह लड़का बिहार का नाम रोशन करने के लिए मुंबई गया है। और हम सभी बिहारी वासियों को कम से कम संकल्पित होकर के इस नौजवान का सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए, हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि कम से कम एक बिहारी नौजवान अगर मुंबई की धरती पर गया है, उस मुंबई की धरती पर भी बिहार का झंडा हिलाकर वापस आए। क्योंकि बिहार वो धरती है जहाँ इतिहास बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, यहाँ बना डालता है लोग। चाहे पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाना हो, चाहे देश का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे जो भी मामला हो, बिहार कभी भी इतिहास बनाने से पीछे नहीं हटता है। आज की डेट में इसरो ने भी चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक उसमें सफलता पाई है। आज चांद पर भी हम लोग पहुंचने का काम किए हैं। तो बिहार के कई लोग, कई नौजवान और कई लोग इसरो के अभियान में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की धरती कहीं किसी के लिए पूछती नहीं है। बिहार की धरती अपने आप को साबित करती है और उस बिहार की धरती को अगर हमें गौरवान्वित करना है तो हम सभी नौजवानों को, किसान मजदूरों को, जातीयता छोड़ के, धर्मवाद छोड़ के, हम लोगों को एक धर्म का सम्मान करिए। आप अपने धर्म का सम्मान करिए, सभी अपने अपने धर्म का सम्मान करें, किसी के धर्म को गाली नहीं देना है। हम लोग सभी को एक होकर के बिहार को समृद्ध और बड़ा बनाना है। ये लड़का बिहार से बाहर जा रहा है, अब सुनिए, मतलब जब जा रहा था हम लोगों से मिलने आया लड़का, ये हम लोगों ने इसको आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिया और यह मुंबई गया है और आज बिहार का नाम रोशन करने गया है। तो अमरजीत जयकर सफल हो, आप सभी को इसको आशीर्वाद देना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए ताकि यह जानकारी सब तक जाए कि अमरजीत जयकर को सपोर्ट करना है, क्योंकि यह बिहार का नाम रोशन करने के लिए बिहारी झंडा हिलाने मुंबई गया है। इसको समर्थन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और इसको सुनिए यह क्या कह रहा है और हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, ये भी आप लोग इसमें सुनिएगा। अमरजीत जयकर है, यहाँ है, जा रहे हैं मुंबई, इंडियन आइडल को फाड़ के रख देंगे, नाम रोशन करेंगे, बताएंगे कि ये बिहार के लोग हैं और यहाँ के लोग पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देते हैं, इतने काबिल लोग होते हैं। बिहार का झंडा मुंबई अमरजीत जयकर को ताजमहल नहीं बनाते बल्कि पहाड़ तोड़ के प्यार का इजहार करते हैं। जैसा कि आपने देखा, उत्साह कितना है, खुशी कितनी है, जोश और जज्बा कितना है सभी नौजवान में, जो जिन लोगों ने इसको आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, शुभकामना दिया है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि बिहारी झंडा मुंबई में हलेगा कि नहीं हलेगा। अरे बिहारी तो बिहारी होता है और सौ पर भारी एक बिहारी होता है। निश्चित रूप से आप सभी के आशीर्वाद की इस नौजवान को आवश्यकता है। हम लोग इसके सहयोग में हैं, साथ में हैं। आप भी इस अमरजीत का सहयोग करें, सपोर्ट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं इस बिहारी नौजवान को जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।